क्यों वचन याद नहीं पड़ता, क्यों वचन समझ में नहीं आता, क्यों बाइबल पढ़ते समय नींद आती है, क्यों प्रेयर एक हार्डवर्क लगता है, आपको सब समझ में आ जाएगा आज। लिसन, आप जानते हो आपका सुना हुआ वचन आप क्यों भूल जाते हैं? रीजन क्या है? क्योंकि आपको मेडिटेशन करने की आदत नहीं है। जो लोग प्रभु के वचन को मेडिटेट नहीं करते उन्हें वचन याद नहीं पड़ता। जानते हैं कैसे? मैं आपसे एक बात पूछता हूं, सच बताइएगा क्या आप इस बात में ईमानदार हो के नहीं हो। जब आप यहां से मीटिंग सुन के जाते हैं, वो हमारे सिस्टर लेखा लुंडे कहती है 5-star होटल में खाना खा के आती हूं मैं। वो ऐसे बोलती है मुझे कि तुमने 5-star होटल में खाना खिलाया है। समझो आप यहां से जाते हो, आप नीचे उतरते हो, मुझे एक बात बताइए, आप में से कितने लोग उस वचन के बारे में सोचते सोचते जाते हैं? कितने लोग सोने से पहले सोचते हैं? कितने लोग सुबह उठते सोचते हैं? भजन संहिता 1:1 में लिखा है, धन्य है वे जो यहोवा की व्यवस्था को मनन करते हैं, क्योंकि वे उस पेड़ों के समान होंगे जिनकी जड़ इतना पानी के अंदर है कि वे हमेशा फलवंत रहे। बोलिए मेडिटेशन। आप जानते हो मेडिटेशन का मतलब क्या है? सुनी हुई बात को बार बार सोचते रहना।